सुशांत कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है और कोलकाता कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है आ, बहुत सारा खाना मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ तो मिष्टी दही और दिबाकर और मैं पहले आ, कुछ फिल्म शूट होने से छः महीने पहले एक बार गए थे कैलकाटा में और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही कैलकाटा से जुड़ी हुई तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था तो वो जो सिक्स कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे मील <laughs> पे तो वो सारी चीजें मैंने खाई हैं मिश्री दही एंड ऑल द मिठाइज एंड ऑल द माच भात एंड एवरी सेंटर हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच हमने ट्वीट पे आज बात की आज सुबह. Uh, में विश भी किया था so <laughs> सवाल मेरा ये है कि, uh, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसका इस फिल्म में क्या हिस्सा दिखाया गया अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने जो अपनी होमवर्क है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ही है तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे अपने डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा कैन वी कैन वी प्लीज हैव मिस दिबाका बनर्जी ऑन स्टेज प्लेज हाँ देखिए बोमकेश एक डिटेक्टिव कहानी है अब डिटेक्टिव आ, क्राइम के बिना डिटेक्टिव नहीं जी सकता जहाँ पे अपराध नहीं होगा वहाँ पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ <coughs> कि कलकत्ता में क्राइम का नेचर बदल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था एयर रेड्स हो रहे थे बम गिर रहे थे शहर में साथ ही साथ शहर में जापानी पाइज का एक रिंग फैल रहा था अंग्रेज़ लोग और इंडियन जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे साथ ही साथ हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था द नेचर ऑफ़ क्राइम स्टार्टेड चेंजिंग द डॉक्स द डॉकार्ड गैंग्स द नार्कोटिक गैंग्स द अंडर वर्ल्ड इट्स स्टार्टड इवॉल्विंग इन टू अ न्यू काइंड ऑफ क्राइम एंड इस कहानी में हम बोमकेश को देखते हैं कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पर खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है और इंडिया जो चेंज हो रहा है और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ कलकत्ता का शहर चेंज हुआ कलकत्ता की इकोनॉमी चेंज हुई कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था बोमकेश बख्शी इसलिए इसका जोड़ है हाय सुशांत दिस इज उर्वी हाय फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच सुशांत यू एवर स्केप्टिकल Play this character since it has a very different kind of a look, and you had to experiment with your look itself? No, it's just not uh, of look. Uh, there are many things that you think of as an actor when you um, say yes to a film. And the first thing that I look to is whether uh, it's challenging for me, and that's the only reason why I signed a film. Because uh, as I said just now, um, having so many conversations with Mr. Dibaka Banerjee, I got to know that this film is not about these many things so what is it about is why he was making a film and why i was fascinated for this film and that's why i did this so that's what, that, that was a challenge and uh, that's precisely the reason why i did this film and hopefully i, um, I mean, like, during the process i did my research i gave it my best and i felt the character i thought that i have this authority to play bollywood on screen and hopefully it translates to uh, what uh, audience see it and uh, what they feel about the film. Thank you. i would like to compliment on to that that we both of us realize that we are taking <clears throat> uh, bollywood has a tradition of representing young men in a certain way and this kind of flies in the face of all of that. <clears throat> एंड पर हैप्स द कूलनेस ऑफ दिस गाई इज़ द फैक्ट दैट इज़ कम्प्लीटली ऑर्डिनरी ही डज नॉट ही इज़ नॉट अ फैशन प्लेट ही इज़ नॉट इवन कंटेम्प्ररी ही इज़ फ्राम नाइनटीन फोटी थ्री विच वी थिंक इज़ सम बाप दादों का ज़माना लेकिन हमारे बाप और हमारे दादा भी कभी जवान थे और उनका भी दिल धड़कता था वो भी प्यार करते थे वो भी एडवेंचर करते थे वो भी मारामारी करते थे वो भी गालियाँ देते थे वो भी लव लेटर्स लिखते थे Tabdili So I think we took huge calculated risks and pushed Byomkesh's look and styling to something that the Indian Hindi film audience has never seen before. At the same time, if you see the trailer, the tone and style of the, the tone and feel of the film, the mood of the film is completely contemporary. So that's how

An absolutely corking film out of them. My uh, idea was my, my, my biggest challenge was what am I give, bringing to the film that's uniquely you know interested uh, uh, that, that uniquely interests me. So figuring that out took about four years, and then writing the script for in about one and a half years with Urmi, my co-writer. That was the toughest part, the breaking in of the angle of attack of the story. I don't think there was anything simple about realizing Bhomkesh Bakshi. I have lost weight, my cardio has gone down, uh, uh, my b cholesterol has come up, uh, uh, I haven't slept nights because this kind of a film, to make, to, to represent Calcutta of that time, the VFX, the sound design, everything has to be done from scratch. There is no traffic ambience that I can use from any contemporary sound source for Calcutta of 1943. I have to layer each and every sound from zero upwards. If somebody is lighting a cigarette in the film, a very simple act like that becomes a huge challenge because you have to find a cigarette of 1943 and you have to find the lighter of 1943. So it's been a huge challenge, but it's been the most fun of my life, most fun film experience. Shushant, hi. This is Sunita from India TV. Hi, Happy birthday. Thank Shushant. you so much. सुशांत प्रोमोज देखे हैं हमने ऑसम है आपका किरदार देखकर लग रहा है कि आपने जी जान लगा दी किरदार के लिए आ, आपने बोमकेश बख्शी की सीरीज देखी थी आ, कभी जो रजत कपूर की थी तो क्या आ, उसका इससे कोई कनेक्शन है कनेक्शंस uh, मेरे uh, जिस तरीके से मैंने अप्रोच किया इस कैरेक्टर को लेकर आप ये पूछ रही हैं तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि दिबाकर वेरी कैटेगोरिकली टोल्ड मी नॉट टू वॉच एनी फिल्म और एनी टी वी सीरीज दैट हेर बीन ऑलरेडी मेड ऑन दोमकेश बख्शी सो जो भी था वो मेरे पास वो स्क्रिप्ट थी uh, जो भी इनपुट्स मुझे दिभाकर से मिले मैंने उस पर काम किया और uh, उसके बाद जब मैंने फिल्म ख़त्म कर ली शूट करना तो उसके बाद वी सैट डाउन टुगेदर एंड वी सो ऑल द थिंग्स देट आर ऑलरेडी बीन डन ऑन भोमकेश बिकॉज uh, कहीं हमें लगा कि किसी तरीके से अगर हम अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ को तो हम पता नहीं हमें पता नहीं होता कि हम सबकॉन्शियसली वी गेट यू नो इफेक्टेड बाय इट और सबकॉन्शियसली हम उसको एप करने लगते हैं तो आई थिंक दैट वाज़ द रीज़न व्हाई यू टोल्ड मी नॉट टू डू नॉट टू वॉच एनी तो जो भी था वो बहुत ही नया था जो हमने किया uh, हमारा अपना इंटरप्रिटेशन था उसके बाद जब फिल्म बन गई और हम बहुत हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था सेटिस्फाइड फील हो रहा था तो हमने सारी चीज़ें देखी जो ऑलरेडी हो चुकी हैं मोमकेश पे बट नॉट बिफोर दैट क्या तैयारी की uh, देखिए uh, मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जहन में रखना है जब हम किसी करेक्टर की तैयारी करते हैं बॉटम लाइन ये है कि आपको इन योर हैड यू हैव टू थिंक दैट यू हैव अथॉरिटी टू यू नो टू प्ले दैट कैरेक्टर तो जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो रिसर्च डायरेक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा हमें एग्जैक्टली पता होता है जब हम uh, रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें क्या नहीं करना है क्या करना है इसलिए हम फिल्म बनाते हैं तो वो एक्सप्लोर करने के लिए वी 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 हैव अटेम्पटेड टू मेक दिस फिल्म एंड यू गाइज है ट्रेलर एंड आई होप दैट यू हैव लाइक इट और uh, बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और आ, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको ये बहुत ये फिल्म बहुत अच्छी लगी सुशांत क्या आपने बंगाली सीखी है इस फिल्म के दौरान नहीं बंगाली हमने नहीं सीखी है क्योंकि हमने बहुत ही ये शुरू में ही जब पहले दिन मैं दिबाकर से इस फिल्म के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत ही क्लियरली बताया था कि जिस तरीके से हम एक फिल्टर के थ्रू ये फिल्म देख रहे हैं जिस तरह जिस तरीके से आप जब ग्लाडिएटर देखते हैं तो आप अंग्रेज़ी में देखते हैं लेकिन आपको पता है कि लोग लैटिन में बात कर रहे हैं इसी तरीके से हम इस फिल्म में हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन वो बंगाली एक डायलॉग भी है इस फिल्म में जिसमें मैं किसी से कहता हूँ कि क्या हुआ भाई आप बंगाली नहीं समझते क्या बट आई एम स्पीकिंग हिंदी तो वो उस फिल्टर के थ्रू हम देख रहे हैं एंड और वही हमने पहले से कोई आमि तुम्हारे भालूभाषी नहीं बोल रहा है इश, इश। कोई शक्ति नहीं बोल रहा है कोई कोई वो जो एक बंगाली का जो कैरिकेचर होता है वो कोई नहीं कर रहा है हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी का मतलब बंगाली